प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को 6 दिन की रिमांड पर लिया है। पंकज मिश्रा से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन मामले में विस्तृत पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी ने मंगलवार को 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लंबी पूछताछ के बाद पंकज मिश्रा को देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पंकज मिश्रा को कोतवाली थाना हाजत में रखा गया। सुबह पंकज मिश्रा को मेडिकल और कोरोना जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद पंकज मिश्रा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने पंकज मिश्रा की रिमांड मांगी। कोर्ट ने ईडी को पंकज मिश्रा की 6 दिन की रिमांड सौंपी है। अब अगले 6 दिनों तक पंकज मिश्रा से ईडी के अधिकारी विस्तृत पूछताछ करेंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान पंकज मिश्रा ने कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। अधिकारियों को अपने बयानों से गुमराह करने की कोशिश की, जबकि ईडी के पास पंकज मिश्रा के खिलाफ कई सबूत हैं। इनमें अवैध खनन से संबंधित दस्तावेजों के अतिरिक्त फॉरेंसिक सबूत भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंकज मिश्रा से ईडी की टीम और विस्तृत पूछताछ करेगी, ताकि राज्य में जारी अवैध खनन के नेक्सस और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गहरे राज उगलवाए जा सकें। पंकज मिश्रा जून 2020 में पहली बार तब सुर्खियों में आए थे, जब बरहड़वा में एक स्थानीय व्यवसायी ने उन पर मारपीट और धमकाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि बीती 8 जुलाई को ईडी ने साहिबगंज, मिर्जा चौकी, राजमहल, बरहड़वा और बरहेट में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दरमियान ईडी ने 5,34,00,000 रुपए की नकदी के अलावा कई दस्तावेज बरामद किए थे। बाद में ईडी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया था कि पंकज मिश्रा और अन्य के अलग अलग 37 बैंक खातों में अवैध तरीके से कमाए गए 11,87,00,000 रुपए जमा हैं। ईडी ने सारी रकम सीज कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने पंकज मिश्रा को पूछताछ के लिए पहले भी 2 बार समन किया था, लेकिन वे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को दिन के 11 बजे वे रांची स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय में उनसे 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने पंकज मिश्रा से अवैध खनन में उनकी संलिप्तता, साहिबगंज में उनके आवास से मिली नकदी सहित दस्तावेज तथा राजनेताओं से संबंधों को लेकर सवाल पूछे। माना जा रहा है कि बैंक खाते में जमा रकम और निवेश के बारे में वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अब 6 दिन की रिमांड पर लिया है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनु एवं नगर टोली रांची। Share and subscribe www.thefollowup.in